सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी कक्षा हिंदी की कक्षा से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको अ और आ दोनों का लिखित अभ्यास करवाएंगी। मैंने आपको एक वर्कशीट सेंड की है जिसको आपने आज करना है अ और आ। नाउ फर्स्ट हम लोग आज की तारीख दिनांक 8/8 एंड मंथ इज अप्रैल एंड ईयर इज 2020 एंड आज का दिन है वेडनेसडे एंड टुडे सेंटेंस इज आई स्टडी इन UKG। व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ टुडे? रिपीट आफ्टर मी, आई स्टडी इन UKG। गुड। एंड हाउ इज द डे टुडे? हमारा आज दिन कैसा है? इट्स अ सनी डे। एंड नाउ वी स्टार्ट अ क्लास। ऑल ऑफ यू टेक योर वर्कशीट। सब अपनी वर्कशीट लें, अपनी पेंसिल तैयार करें और आज हम लिख रहे हैं अ आ। जब हम हिंदी का काम करते हैं हमारे पास पांच लाइनें होती है। 1, 2, 3, 4, 5 पांच लाइनें हैं। रेड लाइन से, लाल वाली लाइन से कोई स्टार्ट नहीं करेगा। वी स्टार्ट हिंदी फ्रॉम ब्लू लाइन। नीले रंग की लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट बनाएंगे 3, देन इस 3 की यहां से आपने 3 को बना के यहां से टेल लेके आनी है दूसरी नीली लाइन तक, और यहां पे आपने सीधी लाइन बनानी है। और आप लोगों ने क्या नहीं करना, इस पूरे के ऊपर लाइन नहीं लगानी है। जब हम अ लिखते हैं तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर लाइन नहीं लगेगी, सिर्फ ये स्टैंडिंग लाइन जो खड़ी हुई लाइन है इसके ऊपर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन लगेगी। और अ और आ दोनों स्वर हमने ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक, नीली लाइन से नीली लाइन तक लिखने हैं। कोई भी इसको लाल लाइन से स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, वंस अगेन एक बार फिर मेरे साथ लिखो। अपनी पेंसिल पहली नीली लाइन पे रखो, पहले इसको बनाओ। 3 फर्स्ट स्टेप, देन दूसरा इसकी जो टेल है आपने दूसरी ब्लू लाइन तक लानी है, दूसरी नीली लाइन तक। यहां पे आपने स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर स्टैंडिंग एंड हियर ऊपर, सिर्फ यहां पर आपने स्लीपिंग लाइन डालनी है। अप से अनार, अप से अनार, अ से अदरक। व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे होंगे तो आपने इसको ऐसे पूरा करना है। गुड। अ से अनार। नेक्स्ट अगेन एक लाइन और हम लिखेंगे, अ से अनार, अ से अनार। कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, देखिए अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने ये बनाया लेकिन ये बाहर निकाल दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। तो हमें पूरी फॉर्मेशन फॉलो करनी है। आपने स्टेप वाइज इसको लिखना है, अ से अनार। अब हम दूसरा स्वर करेंगे, आ से आम। ये बिल्कुल वैसा ही है, हमने पहले अ से अनार बनाना है और उसके साथ एक खड़ी डंडी यानी एक लिखना है, और इसके ऊपर भी हमने पूरे पे लाइन नहीं लगानी है। हमें सिर्फ ये दो जो डंडी है स्टैंडिंग लाइन है उनके ऊपर ही लाइन लगानी है। आ से आम, आ से आम, आ से। इसमें बच्चे जो कॉमन गलती करते हैं वो ये होती है कि दे राइट लाइक दिस और ये इसको यहां तक ले आते हैं बाहर तक, तो ये रॉन्ग है। आपने इसको अ से अनार जैसे बनाना है पहले, और फिर उसके पीछे एक और लाइन लगेगी क्योंकि इसकी आवाज बड़ी है, ये बड़ा है तो हमें इसको बड़ा कर दिया, तो क्या बन गया, आ से आम। वंस अगेन एक बार और एक लाइन लिखते हैं, आ से आम।
आ से आम। अगर आप इसके पूरे के ऊपर लाइन लगा देते हैं ना, पूरे के ऊपर लाइन लगाते हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने पूरा ध्यान रखना है, इसके ऊपर लाइन नहीं लगाएं। आ से आम। आज का आपका लिखित कार्य हिंदी का है टुआहा, और मैं इसका लिंक जो ओरल है वो मैं आपको भेज रही हूँ। आपने जो कल परसों दो दिन का होमवर्क भेजा है मैंने देखा है, अच्छा किया बच्चों, और आपने उसको और अच्छा करना है। अपनी हैंडराइटिंग जो भी आप लिखते हो उसको बहुत अच्छा इन लाइंस लिखना है। इसमें हिंदी में आपने मेन ध्यान रखना है कि नीली लाइन से नीली लाइन तक लिखना है, रेड लाइन से रेड लाइन तक कोई नहीं लिखेगा। धन्यवाद।